और भैया लोग कैसे हैं? सब बढ़िया? उम्मीद करते हैं आप लोग सब बढ़िया होंगे। तो इंट्रो देख के मज़ा आया? इंट्रो में जो शॉर्ट है ना, वो एक स्नूकर स्केप है, और सच बता रहे हैं बहुत बढ़िया था, और इसलिए हम बहुत बढ़िया बोल रहे हैं ताकि आप लोग वीडियो में बने रहिए। बात ये नहीं है, बात ये है कि सही में बढ़िया था भैया, और वो शॉट तो बढ़िया था, लेकिन यहाँ भैया बढ़िया ब्रेक नहीं हुआ और वाइड बॉल मेरा चला गया, अपोनेंट के पास चांस भी चला गया। अब कैसे क्या होगा, तो बने रहिए वीडियो में। और यहाँ शुरुआत किए थे बर्लिन से, बर्लिन में तो भैया शुरुआत अच्छा नहीं रहा मेरा, क्योंकि वाइड बॉल चला गया। आप लोग को भी पता है भाई, वाइड बॉल जब चला जाता है और बर्लिन जैसे बड़े बड़े टेबल पर, तो कितना बड़ा नुकसान लिख जाता है कि हाँ अब नुकसान हो गया। तो यहाँ पर कोई गलती करेंगे भैया जी, ये तो मिस्टेक कर दिए, गलती नहीं बड़ा मिस्टेक कर दिए। अब इस मिस्टेक का खामियाजा इनको भुगतना पड़ेगा। तो अब हम क्या करें, बस यहाँ पे अब बॉल शुरू करते हैं अपना, एक एक करके ख़त्म कर रहा, बस आप लोग देखते जाइए। और कुछ लोगों का अभी कमेंट आता है कि भाई बहुत हैकर्स आ रहे हैं बर्लिन पे, रोम में, मुंबई में। देखो भाई, ये बात सच है कि बहुत हैकर आ रहे हैं, मतलब आ तो रहे हैं लेकिन पहले से थोड़े कम आ रहे हैं। अभी जो अपडेट आया ना, इससे पहले भर भर के आ रहे थे भाई, क्या ही बोले। और अभी तो थोड़ा सा कम है हैकर लोग तो, लेकिन है फिर भी हैकर लोग है, टूलर और चीटो अभी भी है, अभी भी हमको मिलता है, रोम में भी मिलता है सच बात है, और ये मुंबई और बर्लिन में तो भाई मिलता ही है। तो अगर आपका लेवल, आपका अकाउंट का लेवल 300 या 400 से कम है, तो आपको हैकर मिलने का चांस बहुत हाई है। और अगर आपका लेवल 100, 150, 200 है ना, तो आपको हैकर मिलने का चांस बहुत ज़्यादा है, और वो हर एक टेबल पे चांस है। तो ये चीज़ तो आपको होगा ही होगा। तो भाई अगर अभी के टाइम में कॉइन्स बनाना है ना, तो मेरा बात मानिए, छोटा छोटा और धीरे धीरे कॉइन्स बढ़ाइए। आप एक बार में सोचिएगा कि हम बहुत ज़्यादा कॉइन बना लें, तो ये अभी के टाइम पे थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि आप अगर बड़े टेबल पे खेलने जाओगे, अपना मोस्ट ऑफ द कॉइन्स आप दांव पे लगाओगे और हार जाओगे, तो फिर आपको भैया निराशा ही हाथ मिलेगी। तो क्योंकि देख लीजिए, सिर्फ हम नहीं है जो मौका मिलने पे इस तरीके से गेम ख़त्म करते, बहुत लोग ऐसे हैं जो ऐसे कर लेते हैं, ठीक है। तो ये तो थोड़ा रिस्की है, इसीलिए अपना थोड़ा स्किल्स पे भी ध्यान दीजिए और थोड़ा सा स्ट्रेटजी पे भी ध्यान दीजिए। भारी मिस्टेक हो गया सर, एकदम ब्लंडर हो गया। अब कुछ लोगों का कमेंट आता है कि ब्रो तुम सिर्फ रोम पे खेलते हो। देखो ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ रोम पे खेलते हैं, हम सब टेबल पे खेलते हैं, बट वीडियो मोस्ट ऑफ दी मेरा रोम का ही रहता है, क्योंकि सच बता रहे हैं, ये हम अपना पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहे हैं। रोम पे मेरे को 90%, मतलब जो भी ट्रिक शॉट और की शॉट वगैरह रहता है, वो 90% मेरा रोम पे रहता है, क्योंकि वहाँ पे बंदे सच में इनडायरेक्ट खेलने वाले मिलते हैं। लेकिन बाकी किसी भी टेबल पे देखो, सिर्फ दो ऐसा टेबल है फ्री वाला, ठीक है, फ्री वाला, जहाँ पे आप इनडायरेक्ट खेलते हो आखिरी बॉल पे, और वो है सिर्फ रोम और बर्लिन। बर्लिन में लोग हमको तो नहीं मिलते हैं, बाकी जो ऊपर वाले लेवल रहते हैं ना, 600, 700, 800, 900 जो भी है, तो उन लोग को अगर उस लेवल के प्लेयर्स मिलते हैं तो चांस ऐसा रहता है कि वो इनडायरेक्ट खेले। और अगर आपको जानने वाले मिलते हैं तो ऑब्वियस सी बात है, वो भी आपके साथ इनडायरेक्ट खेलेंगे। लेकिन एक दो बार मेरे साथ बर्लिन में भी ऐसा हो चुका है कि मेरे को जानने वाले तो मिलते हैं, वो बोलते हैं इनडायरेक्ट खेलने के लिए, लेकिन यार पता है उनको चांस मिलता है ना, तो फिर वो धोखा देते रहते हैं और वो बस सिंपल बैंक शॉट खेल के निकल लेते हैं। ये थोड़ा बुरा लगता है, गलत चीज़ है, फिर भी। तो बात यह है कि हम रोम में इसलिए खेलते हैं क्योंकि रोम में हमको बहुत सारे जेन्युइन और लेजिट प्लेयर ऐसे मिलते हैं जो इनडायरेक्ट खेलने वाले होते हैं, और वो खेलते भी हैं साथ में, और अच्छा लगता है ऐसे लोगों के साथ खेलने में जो एपिक बोल के एपिक खेले, ना कि एपिक बोल के आपको धोखा दे। तो हाँ, आप लोग अगर मेरा बात सुन रहे हैं और इससे सहमत हैं, तो आप लोग अगर मेरे साथ एपिक गेम खेलना चाहते हैं, तो चलिए एक ना कोड बनाते हैं, एक फ्री वाला जो है ना, वो नाइस ट्राई फ्री वाला, वो सबके पास होगा, ठीक है। तो आप लोग जो भी यहाँ तक वीडियो देखे हैं और आप मेरे साथ अगर कभी गेम में आप मिले, तो नाइस ट्राई वाला जो है ना, जैसे हमारा मैच शुरू होगा तो आते के साथ नाइस ट्राई लिख दीजिएगा, तो हम समझ जाएंगे कि आप दिल से इनडायरेक्ट खेलने वाले हैं मेरे साथ, तो हम आपके साथ इनडायरेक्ट खेलेंगे। नो क्वेश्चन, नो टेस्ट, कुछ नहीं, एकदम आप बोलिए, हम खेलना शुरू कर देंगे। लेकिन हाँ भाई, धोखा मत दीजिएगा, अगर धोखा दीजिएगा तो फिर ये चीज़ भी हम ख़त्म कर देंगे।
अब देखिए क्या है कि जब हमको कंटेंट का जरूरत पड़ता है तो हम बर्लिन या रोम पे जाते हैं। बर्लिन पे जाते के साथ अगर हमको हैकर या फिर कोई धोखेबाज मिल गया तो फिर मेरा दिल टूट जाता है, लेकिन वापस फिर हम रोम पे जाते हैं। रोम हमको बहुत सपोर्ट किया है, सच में रोम के साथ तो मेरा इमोशन बिल्ड हो चुका है। और बाकी अगर मेरे को ऐसे ही फन के लिए खेलना होता तो हम सब टेबल पे खेलते जैसे अभी खेल रहे। तो अब देखिए यहाँ पे क्या है कि मेरा ब्लैक जो है फंस गया, स्नूकर हो गया है मेरा, ठीक है। तो अब ब्लैक को पॉट करने के लिए मेरे को थोड़ा सा ट्रिक शॉट खेलना पड़ेगा, तो ये आप देखिए और इन्जॉय कीजिए इस शॉट को। अच्छा था ना शॉट, हमको भी अच्छा लगा था, उम्मीद करते हैं आप लोग को भी अच्छा लगा होगा। तो देखिए क्या है कि नॉर्मली तो हम ऐसे मतलब फ़न के लिए खेलते हैं तो जाते हैं नीचे, वरना अगर कॉइन्स बनाना हुआ तो बर्लिन मुंबई बस यहाँ तक जाते हैं, और अगर इनडायरेक्ट के लिए हुआ तो पहले बर्लिन पे जाते हैं, वहाँ धोखा मिलता है और दिल टूटता है, तो फिर भाई हम वापस आ जाते हैं रोम पे। रोम पे अगर मेरे को कोई इंडायरेक्ट खेलने वाले मिले तो खेलते हैं, नहीं तो नहीं खेलते हैं, और वहाँ से भी हम नॉर्मल कॉइन्स ही इंक्रीज़ करते हैं, क्योंकि मुद्दा और फोकस और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है आपको इस गेम में कॉइन्स इंक्रीज़ करना। तो कॉइन इंक्रीज़ कीजिए, आपके पास कॉइन्स होगा, कॉन्फिडेंस होगा, आप सब चीज़ कर सकते हो फिर, ठीक है ना। तो बस यही था। तो अब शॉर्ट कैसा था उसके बारे में थोड़ा सा कमेंट कर दीजिएगा तो हमको भी थोड़ा अच्छा लगेगा कि हाँ आप लोग भी सपोर्ट दिखा रहे हो। बाकी नहीं कीजिएगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है, अब हम तो कोशिश करते ही रहेंगे। अब ये फ्रेम तो दुबई का था तो इसको भी ख़त्म कर ही देंगे। उसके बाद ये शायद मेरा लास्ट मैच था, तो इस मैच के बाद हम फिर नहीं खेले, क्योंकि अब चूंकि ये बस इंटरटेनमेंट के लिए हम खेल रहे थे, और आप लोग को भी बोलेंगे कि इंटरटेनमेंट के लिए ही खेलिए, ज़्यादा कॉइन्स के बहाव में मत आइए, कॉइन्स धीरे धीरे इंक्रीज़ कीजिए, आज आपको भी अच्छा लगेगा, कॉन्फिडेंस बना रहेगा, वरना आप कॉइन्स बनाने के चक्कर में बड़ा टेबल पे हार गए तो फिर दुख होगा, और दुख ना हो इसलिए बोल रहे हैं। बस मज़े के लिए खेलिए और बस गेम खेलते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते।